प्रदेश के जनपद कासगंज में अवैध क्लिनिकों पर छापामार कार्रवाई करने पहुंचे एक फर्जी ACMO सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किए जाने का मामला सामने आया है। ये सभी लोग ACMO लिखी हुई बुलेरो कार में बैठकर अवैध क्लिनिक पर छापामार कार्रवाई कर उगाही करते थे। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के फर्जी अधिकारी बनने वाले 5 को दबोच कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी बदायूं जनपद के बिलसी कस्बे के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दरअसल ये फर्जी ACMO की गिरफ्तारी का पूरा मामला सहावर थाना क्षेत्र के याकूबगंज का है, जहां बुलेरो कार संख्या UP 26AX 9746 में सवार होकर 5 लोग याकूबगंज के एक क्लिनिक पर पहुंच गए और रौब गाड़ते हुए डॉक्टर को हड़काने लगे। जब ये मामला स्थानीय लोगों को पता चला तो वो काफी संख्या में एकत्रित हो गए। ग्रामीणों से पूछताछ की तो वो कुछ नहीं बता रहे थे और भीड़ को देखकर भागने लगे। अभी ग्रामीणों ने कार की चाबी निकाल ली और सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस 5 को सहावर थाने ले गई, जहां फर्जी क्लिनिक पर फर्जी ACMO बनकर पहुंचे 5 के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेजने की कार्यवाही शुरू कर दी है। फर्जी ACMO पर गिरफ्तार किया गया है, सर क्या मामला है पूरा? ये हमें एक सूचना मिली थी जिसमें ये था कि याकूबगंज पे कुछ लोग जो हैं वो अपनी गाड़ी पर ACMO लिखाए हुए हैं और उनको पकड़ा गया है। तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची तो जाकर देखा एक बुलेरो गाड़ी जिसका नंबर UP 16AX 9786 है, इसमें 5 व्यक्ति थे और ये 5 बिंसी बनायू के रहने वाले हैं। इनको तत्काल गिरफ्तार करके थाने पर लाया गया है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे आप लोग अवगत। सर इनके पास कुछ रकम भी बरामद हुई है क्या? हाँ, अभी तक की हमारी जांच पड़ताल में लगभग 16,000 रुपये इनसे बरामद हुए हैं और अभी हम इसमें जांच पड़ताल कर रहे हैं, आगे विधिक कार्रवाई की जाए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।